वेलकम वेलकम रूबी के दिल में वेलकम, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। ये देखे मेरे पास कौन है, मेरे पास माँ है। ये देखा सना का तो कैप्चर करने जैसा आ जा है ना। तो ये दानी मम्मा है, ये माँ है, ये आ गई है। और आप लोगों को मुझे सरप्राइज देना था कि देखें अचानक से अम्मी आ गई है। और अब हम जा रहे हैं अपनी नंद किया और उनको किसी को नहीं पता अम्मी आ गई है। तो सबको सरप्राइज देंगे, सब गैदर हो रहे हैं बहन भाई, तो आप भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये डिजर्ट देखें, जैसे कि आपको पता है मैंने बनाया था नंद की यहाँ ले जाने के लिए। अल्लाह और राम को लगाए बगैर हम निकल नहीं सकते। अल्लाह राम। गलत फहमी थी लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा सबको सरप्राइज देंगे। और देखो जैकेट कौन सा पहना है, दोनों माओं का सेम था ना। मुझे लगा मेरा और आना का मिलता है। आजा आजा अम्मी आजा। अभी सबको सरप्राइज देते हैं, मैंने बोला ये बहनों को सरप्राइज देते हैं। मैंने बोला सरप्राइज दूंगी। अच्छा लगा वो। अच्छा 18 को एक्चुअली आने वाली थी, मुझे गलत फहमी थी। आई नो। चलो चलो, ये भी एक माँ ही है ना, सेकंड दोनों का साथ लिया था याद। कैसी सना, सब रेड। वो एक क्लोजेट में लटका है ना, अम्मी को रूम दिखाया ना, तो एक ही कपड़ा लटका है मम्मी का जैकेट। तो अम्मी बोले बेबी ये तो, मैंने कहा मैंने मम्मी का रखा है। अरे क्या हाल है। हाँ देखो सरप्राइज। अम्मी सलीमा सलीमा पहचानी ना, राहिल की। हाँ मैंने क्या कहा था, सब बड़े खुश होंगे। अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट से? नहीं 18 के बजाय परसों आने वाले थे, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा बताऊंगी नहीं, परसों रात को आए तो कल आराम किया, और मैंने कहा आज सरप्राइज में ले जाते हैं। अचानक से ना न्यूज ना कुछ नहीं, बेबी को सरप्राइज देना था वरना मैं परसों। 18 को मैं समझी थी आ रही है, फिर पता चला परसों आ रही थी, तो मैंने कहा अब एक दिन का सरप्राइज देती हूँ। तो ये देखे मैं बता रही थी ना, मेरी बड़ी नंद क्या जा रहे हैं हम दावत पे, इससे कितना एहतमाम किया हुआ है, और अब यही बताएगी कि क्या क्या बनाया है। ओके। कितने खूबसूरत डोनट्स लग रहे हैं, कलरफुल ना, लेकिन ये रेड तो मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ मैंने इसमें राहिल को बोला था स्पेशली कि अपन ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना सब लोग, तो मैंने बोला कि ये रेड ज्यादा लेके आना। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा सब सजाया, देखे तो सही। ये पूरा बच्चों का स्टेशन बनाया है मैंने, डोनट्स है, कपकेक है, बच्चों के लिए नगेट्स है, और बच्चों की स्पेगेटी भी है जो मैंने गरम रखी है अभी। ओके ये देखे कट्टे नहीं हुए ना, ये बच्चों का स्टेशन, तो ये चाय भी बच्चों की है। नहीं नहीं नहीं, चाय बड़ों की है। अच्छा फिर ये जो है ये सलीम भाई बना के लेकर आए हैं, ये हमारे रूबी का किचन भाभी जो है वो बना के लेकर आई है, ये मेरे दूसरे एक भाई है वो लेकर आए हैं, ये हमने बनाया है, ये है वो, इसको क्या कहते हैं, अगर अगर घास का हलवा, ये फ्रूट्स है, देखो कितने क्यूट है। अच्छा अब आ जाते हैं, नहीं मेन कोर्स अलग है, ये है विंग्स है, ये चाट बनाया है, ठीक है सैलेड है, ये नूडल्स है, स्पेगेटी चिकन स्पेगेटी है, वो लज़ानिया है। अब इधर आ जाते हैं मेन कोर्स पे,
ये जो है मैंने बनाया है दम का मुर्ग। ओ दम का मुर्ग, दम का मुर्ग। और ये है पाया। वाह, पता है मेरी अम्मी के फेवरेट। हाँ हाँ, मैं तो खुश हो जाएगी। और ये प्लेन राइस बनाया है ताकि बच्चे भी खा सके। हाँ। और ये ब्रेड है। मैंने जैसे बनाया था, हमारे यहाँ पाए जो है ना वो शोरबे वाले जो होते हैं ना, वो ब्रेड के साथ सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब गाढ़े गाढ़े होते हैं ना, वो फिर तंदूर की रोटी के साथ होते हैं। तो ये कड़क डबल रोटी और शोरबे वाला पाए का ऑसम। ये क्या है? ये मैंने फ्रूट पंच बनाया है। बच्चे शायद ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीते तो कुछ पीने के लिए, अपने लिए तो वो ड्रिंक्स है और पानी है। और ये इतना खूबसूरत सा देखे नैपकिन होल्डर है, शाइनी शाइनी, मेरा और आना का पसंद का। वेरी प्रीटी, बहुत अच्छा सब लग रहा है। मुझे खा के बताना कैसा बना। वो तो मोहब्बत से सब जो खिलाते हैं अच्छा ही होता है ना। हाँ। ना तो आई होप एंजॉय करेंगे, मैंने बताया था ना। इंशाल्लाह। Man, I love this. Best. चलो छपी आ जाए। अच्छा कहाँ बैठे थे हम लोग का ऐसा सिस्टम है। हाँ तो ये सही है। हाँ मैं हमेशा उधर ही आता हूँ। हाँ मैंने भी दो बिंग लिए। इतनी देर में कहाँ आ जाएगा अजय, फिर ले लेंगे जहाँ आप बैठेंगी ना। कैसा है बेटा, ठीक है? नैपकिन वो देख, वो उन लोगों को नैपकिन चाहिए। लाइटेड जगह है ना उसमें। मेरी माँ आ गई। पाए भी बड़े अच्छे बने हो। तुम्हारे कपड़े इतने जच रहे हैं तुम पे। देखिए तुम पे गरारा बहुत सूट करता है, बहुत। ओ सॉरी, सिल्वर गोल्डन बनवा लेना है। हाँ तो जानी छूट जावे, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया। और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना क्यूट है। ये हार्ट शेप में घास का हलवा जमाया हुआ है और इसकी स्पून ऑलरेडी इसके साथ आता है। अब मैं खा के बताती हूँ। हैवी बड़ा टेस्टी। सब अम्मी को कह रहे हैं कि सबसे यंग अम्मी है। जब अनाउंस कर रहे हैं ना कि यंग बच्चा आ जाए, बोले अम्मी सबसे यंग है। तो मैंने कहा अम्मी को फिर वो गाना गाना होगा, वो वाला, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। याद है ना कितना पॉपुलर गाना है। ए जुजू, ता देख ला है, नानी माँ को देख ला है। Happy birthday to you, happy birthday dear choti, happy birthday to you. Can you just sing a regular happy birthday?
have and now we will announce Rufin sing us a song. रोज पार्टी कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार रुख तेरा नजर तो मेरे मन को ये तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को ये तूने क्या इशारा एक हाथ में हो जाएंगे अरमान तेरे तुम्हारे को भी समझा दो अरे इतना बता दो हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था अब हमारे पास बहुत सारे कपल्स हैं प्रपोज करना होगा अपनी वाइफ को और सबसे अच्छा जो करेगा वो ऑफ कोर्स विनर होगा जब से देखा था पहली नजर में उस वक्त ही फिदा हो गया और पता था यही है मेरी सारी जिंदगी आई लव यू सो मच ऑल्सो हैप्पी बर्थडे इट्स ओनली थ्री वर्ड्स कुछ और नहीं बाकी मुझमें तुम जान मेरी तुम दिल हो सांसों के बिना जी लेंगे पर तेरे बिना मुश्किल है किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारा बनाने के पीछे लग जाती है और आज आप सब ने मुझको मेरी चाहत से मिलाया आई लव यू ए फूल ये फूल मेरे फूल को देना और कहना ये फूल तेरे फूल ले दिया चलो आई लव यू सबको पता है आई लव यू तभी तो अभी 35 साल से है अभी मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ मगर मजबूरी में तेरे साथ रह रहा हूँ खबरदार हमारी देख के लिए ऐसी बात मैंने कहा कि बहुत प्यार से जुम्मू वालों प्यार से ना ही हमारी तुम्हारी आंखों की बिनाई गई है ना ही मेरी आंखों की बिनाई गई है बल्कि बिजली गई है ना ही मैं तुम्हारे लिए चांद से आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ मगर बारिश हो तो मेरे पास छतरी नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ मगर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आई लव यू बिकॉज तुमने अच्छे अच्छे बच्चे दिए आई लव यू तुमने बहुत अच्छा हमें घर पे रखा हुआ है खाना वाना खिलाती हो उनको प्यार करती हो इसलिए आई लव यू मगर वैसे भी आई लव यू आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमने तो बहुत इंजॉय किया है अपनों की मोहब्बत अपनों की शमूलियत अपनों के साथ खाना वो भी इतना वंडरफुल मील था कि मज़ा आ गया तो चलें आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं इसी तरह से पार्टी करें धमाल मचाएं चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक ब्लॉग के साथ लव यू ऑल बाय
अल्लाह हाफिज़।